Hi everyone, welcome or welcome back to my channel. If you guys watching this face at first time on YouTube, then hi, my name is Nisha and this is my YouTube channel. So guys, आज मैं आपके साथ review करने वाली हूँ इस साड़ी का जो कि मैंने Flipkart से buy किया है and guys आ, आपको ये साड़ी अभी 424 में मिल जाएगी Big Billion Sale में। अगर आप आ, 30 सितंबर तक ले लेते हो तो आपको ये साड़ी मिल जाएगी 424 में। ई so चलो देखते हैं आ, साड़ी कैसा है एंड इसका रिव्यू कैसा है ओवरऑल मैं रिव्यू करने के बाद बताऊंगी कि आपको ये साड़ी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए सो so, लेट्स uh, so अगर सबसे पहले पैकेजिंग की बात करें तो मुझे ये इस वाले इको फ्रेंडली वाले जो पैकेजिंग आते हैं फ्लिपकार्ट वाली वो वाली पैकेजिंग में मुझे ये रिसीव हुई है एंड गाई साड़ी साड़ी को बाहर निकालने के बाद साड़ी कुछ ऐसी दिख दिखती है जो कि इमेज में दिखाया गया है सेम जैसा कलर डार्क ब्लू दिखाया गया है कलर में आ, इमेज में एंड आपको वैसा ही डार्क ब्लू रिसीव होगा एंड गाइस अब मैं आपको साड़ी खोल के दिखा देती हूँ कि आ, इसकी जो डिज़ाइन है वो कैसी है इसका बॉर्डर कैसा है वो मैं अभी आपको खोल के दिखा देती हूँ सो गाइज जब आप साड़ी खोलना स्टार्ट करोगे तो आपको ये प्लेन नज़र आएगी यहाँ से यहाँ तक मे बी जो हम लोग पहला टक इन करते हैं जो पहला पल्लू आ, पहला जो भी मटेरियल साड़ी का टकिन करते हैं अपना एक राउंड लगाते हैं वो आपको इस तरह से प्लेन नज़र आएगा ठीक है वहाँ पे कुछ डिज़ाइन नहीं है एंड उसके बाद से आपका जो डिज़ाइन है वो स्टार्ट होता है ये इसका बॉर्डर गाइस जो कि ना ही ज़्यादा नैरो है ना ही ज़्यादा ब्रॉड है आई गेस ये मीडियम साइज वाले ब्रॉड बॉर्डर है एंड इसकी जो आ, ये जो है काम इसका वो धागे वाला किया गया है ये प्रिंटेड नहीं है आप पीछे से क्योंकि इसका धागा निकला हुआ है आप देख सकते हो ठीक है सो so, ये धागे वाली जो काम होती है वो की गई है और ये जो प्रिंट है वो आपको पूरे साड़ी में ऐसी ही छोटी छोटी फ्लावर वाली प्रिंट पूरे साड़ी में दिख जाएगी ठीक है मैं दिखा देती हूँ एक और आपको इस तरह करके ये ये जो प्रिंट है वो आपको पूरी साड़ी में नज़र आएगी एंड गाइज़ मैं अब आपका इसका नीचे वाले बॉर्डर को दिखा देती हूँ नीचे में भी सेम आपको वैसा ही बॉर्डर दिखाई देगा जैसा कि ऊपर में मैंने अभी दिखाया मतलब ऊपर साइड वाली बॉर्डर और नीचे साइड वाली बॉर्डर दोनों सेम है उसकी चौड़ाई जो बोलते हैं वो सेम है ठीक है एंड गाइज अब इसकी जो पल्लू की बात करते हैं तो इसके पल्लू के साइड में इस तरह का डिज़ाइन किया गया है पहले तो ये वाले प्रिंट ठीक है एंड उसके बाद से इस तरह करके इसमें इस तरह से काम किया गया है एंड ये भी धागे वाले काम है ये भी आप देख सकते हो पीछे तरफ से धागा निकला हुआ है ठीक है तो आ, अब इस साड़ी की टाइप बात की जाए तो इसकी जो आ, आ, क्वालिटी है फैब्रिक है वो बनारसी है बट नॉट प्योर बनारसी सिल्क बनारसी बोल सकते हो या फिर जैकवर्ड uh, बनारसी बोल सकते हो जो कि उसमें मेंशन किया गया है ठीक है एंड गाइस आप इस साड़ी को किसी फेस्टिवल में पहन सकते हो पार्टी में पहन सकते हो किसी ओकेज़न में पहन सकते हो ये साड़ी ओवरऑल एक अच्छा लुक देती है ख़ास करके जो इसकी कलर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है एकदम डार्क वाली ब्लू और किसी भी तरह ओकेज़न में यू you नो know, डार्क वाले कलर काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं तो आप इस साड़ी को पेयर कर सकते हो किसी भी फेस्टिवल में या फिर किसी शादी वादी में भी आप इसे पेयर कर सकते हो एंड गईज़ uh, इसकी जो ब्लाउज पीस है मैं आपको ब्लाउज पीस दिखा देती हूँ सो so, आपको जो इसकी ब्लाउज़ पीस है मैंने काट के अलग कर लिया है ठीक है क्योंकि मुझे आ, दिखाना था और मुझे देखना भी था कि आ, मुझे कुछ डिज़ाइन बनवाना था इस ब्लाउज़ का तो मैंने इसलिए इसे काट के थोड़ा अलग कर लिया था तो so, गईज़ uh, अगर इसकी ब्लाउज़ की बात की जाए तो पूरा जो इसका ब्लाउज़ है वो प्लेन है ठीक है एंड यहाँ पर बस ऐसे करके इतना दूर तक ये वाला डिज़ाइन है एंड मे बी ये वाला डिज़ाइन जो पीछे साइड आती है ब्लाउज़ की वहाँ पे आएगा एंड आपके बाजू में ये वाला डिज़ाइन आ जाएगा एंड गाइस ब्लाउज़ की जो मटेरियल uh, है वो 0.80 मीटर यानी कि 80 सेंटीमीटर आपको मिल जाएगी जो कि इनफ है किसी भी तरह का डिज़ाइन का ब्लाउज़ बनवाने के लिए आप अगर किसी डिज़ाइन का बनवाना चाहते हो तो इतनी जो है मटेरियल वो काफ़ी है आप आसानी से बनवा सकते हो इसकी uh, किसी भी तरह की ब्लाउज की डिज़ाइन एंड इस साड़ी की जो लेंथ है वो 5.5 मीटर है तो आप इनफ है नॉर्मली जितनी साड़ियों में रहती है आ, इसकी लंबाई उतनी है आप किसी भी स्टाइल वाली साड़ी इससे कर सकते हो बंगाली मराठी मतलब जो भी स्टाइल वाली करने जाती हो उतने मीटर इनफ है 5.5 मीटर इनफ है कोई भी स्टाइल करने के लिए तो गई अब अगर बात करते हैं इसकी क्वालिटी की तो इसकी क्वालिटी ओवरऑल ओके ओके है मैं ये नहीं बोलूँगी कि इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है मैं ये नहीं बोलूँगी बट हाँ प्लेट्स बनाने में मुझे कुछ बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई एंड इसके अपोज़िट बहुत आसानी से ये बना भी नहीं ठीक है तो ओवरऑल uh, मैं ये बोल सकती हूँ कि इसकी जो क्वालिटी है वो ओके okay, ओके okay है uh, बहुत ज़्यादा अच्छी वाली क्वालिटी नहीं है बट फोर ट्वेंटी फोर में ये काफ़ी ज़्यादा मतलब फोर फिफ्टी के अंडर में आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी साड़ी मिल रही है मेरे अकॉर्डिंग मुझे तो ये काफ़ी ये साड़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी ख़ास करके इसकी जो कलर है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी तो डेफ़िनेटली मैं इस साड़ी को रख रही हूँ एंड गाइस अगर आप लोग मुझसे पूछना चाहते हो कि मुझे आ, ये साड़ी ख़रीदनी चाहिए या नहीं तो डेफिनेटली आप इसे ख़रीद सकते हो 450 के अंडर में आपको इससे अच्छी साड़ी नहीं मिलेगी आई गेस और अभी सेल मिल रही है तो अभी आपको 450 में अवेलेबल हो जाएगी और बाद में अगर आप लेना चाहोगे तो डेफिनेटली ये 550 के अंडर आपको मिलेगी सो आ, न, सो या, आप इसे ले सकते हो किसी भी ओकेज़न के लिए सबसे तो अच्छी बात इस साड़ी की ये है कि ये बनारसी टाइप की साड़ी है जो कि पहनने के बाद काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक देता है जैसे कि आप इमेज में देख रहे हो जैसा मॉडल ने पहना है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक दे रहा था और अगर आप भी इसे पेयर करते हो तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक देगा सो या गाइज आप इस साड़ी को अगर आ, आपके विश लिस्ट में है ये साड़ी तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें एक बार एटलीस्ट आप मंगा तो सकते ही हो उसके बाद तो आप रिटर्न कर ही सकते हो इसे सो गई ये था मेरा ओवरऑल रिव्यू और इसका पल्ला जो था साड़ी का वो मुझे सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा ठीक है जो जो मेरे हाइलाइट्स हैं मैं बता देती हूँ पहनने के बाद मुझे इसका जो पल्ला वाला डिज़ाइन था पल्लू पल्ला जो बोलते हैं वो वाला आ, पार्ट मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा सो या गाइस दिस इज़ ओवरऑल द रिव्यू आई होप कि आपको हेल्पफुल लगा हो ये और इसके अकॉर्डिंग अगर आप और कुछ जानना चाहते हो इस साड़ी की डिटेल्स तो आप मुझे हो सकता है मैंने एक दो पॉइंट कवर नहीं किया हो तो अगर आपको कोई डाउट है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो मैं जरूर रिप्लाई दूंगी एंड हाँ अगर आप वो इस साड़ी को लेने में इंटरेस्टेड हो तो मैं लिंक डायरेक्टली लि आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन पर आपको मिल जाएगा आप डायरेक्ट वहाँ से आप डायरेक्ट वहाँ से भी परचेज कर सकते हो सो या गाइज दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो हेल्पफुल लगा हो एंड गाइज अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर मोर यूजफुल वीडियोस एंड कंटेंट और uh, अभी इस वीडियो को लाइक कर देना जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर देना आप जितना शेयर करोगे मेरे लिए उतना अच्छा है ओके सो बाय गाइस मिलती हूँ नेक्स्ट कंटेंट में